आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है क्रोध। क्रोध वो भावना है जो हमारे सारे जीवन को घेर कर रहता है। क्रोध को ना उम्र की मर्यादा है ना ही ज्ञान की। कब, कहां और किस कारण से क्रोध पैदा हो जाए वो कोई नहीं जानता। और जब क्रोध जन्म लेता है तो तुरंत ही विचार करने की शक्ति खो जाती है, बुद्धि पर अंधकार छा जाता है, वर्षों के संबंध पल भर में टूट जाते हैं, सारा जीवन बिखर जाता है। किसी भी कारागार में जाकर देखिए, अधिकतर अपराधी क्षण भर के क्रोध का दंड भोगते हुए दिखाई देंगे, पर फिर भी हम क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाते। बार बार हम क्रोध ना करने का प्रण तो लेते हैं, पर बार बार हमसे क्रोध हो जाता है। ये क्रोध वास्तव में क्या है, क्यों जनता है और क्यों अंकुश में नहीं रहता? उदाहरण के लिए आप एक बालक को देखिए, उसे किसी वस्तु की इच्छा होती है और उस समय अगर उसे वो नहीं मिलती या कोई उसे भयभीत करता है तो वो प्रतिक्रिया देता है। बालक की प्रतिक्रिया क्रोध है, क्योंकि बालक निर्बल है, निसहाय है। बालक अपनों से बड़ों को अपने वजूद का एहसास, अपने अस्तित्व की प्रतीति करवाने का प्रयास करता है क्रोध के माध्यम से। बड़े होने पर भी हम क्या ऐसा ही नहीं करते? क्या क्रोध हमारे भीतर बैठे बालक का प्रतिभाव नहीं? अर्थात क्या क्रोध वास्तव में केवल बालक जैसे व्यवहार का नाम नहीं? जब अहंकार को घाव होता है, जब भय लगता है, जब कोई वस्तु हमें प्राप्त नहीं होती, तब हमें क्रोध आता है, ठीक किसी बालक की भांति। हम जानते हैं कि आईने के सामने खड़े होकर मुंह बनाने का खेल बालकों को शोभा देता है, बड़ों को शोभा नहीं देता। फिर भी हम बालक की भांति क्रोध करना बंद नहीं करते। हम अनुभव से जानते हैं, दूसरों को देखकर बता सकते हैं कि क्रोध से कभी कुछ प्राप्त नहीं होता। सम्मान हो, संपत्ति हो, प्रेम हो या सुरक्षा हो, क्रोध से नहीं मिलता। मिलता है तो प्रयासों से, कार्य करने से, बुद्धिपूर्वक विचार करने से। मनुष्य मात्र अपनी आदतों के अनुसार ही जीता रहता है। क्रोध भी आदत बन जाती है। हमारे चाहते हुए भी हम अपने प्रतिभावों को रोक नहीं पाते। हम स्वयं को बड़े या पुख्ता मानते हैं, पर थोड़ा सा कारण मिलते ही हमारे भीतर का बालक क्रोध कर बैठता है। अर्थात क्रोध वास्तव में और कुछ भी नहीं, हमारी बालक बुद्धि का नाम है। जैसे ही हम इतना स्मरण में रखें कि हम बालक नहीं, बालक जैसा व्यवहार हमें शोभा नहीं देता, वैसे ही क्रोध स्वयं ही बंद हो जाता है। क्या ये सत्य नहीं? इस पर विचार मनन अवश्य कीजिएगा।